गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो हैव यू डन योर टेस्ट? वेरी गुड, इफ यू हैव डन इट वेल, लेट स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, रिप वैन विंकल. आई हैव आस्क यू टू डू दिस वर्क ऑल्सो इन योर बुक. यू कैन ऑल्सो डू दिस वर्क इन योर बुक. अगर आपके पास बुक हैं तो आप ये काम बुक में ही करेंगे, अगर बुक नहीं है तो इसे कॉपी में कीजिए. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस आपको बुक में से ही देख के, लेसन के ही हैं, चैप्टर के ही हैं आपके. फर्स्ट इज रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड. रिप का विलेज कहाँ था? एट द फुट हिल ऑफ कैट्सकिल. कैट्सकिल जगह का नाम है, उसके पहाड़ियों के नीचे वो विलेज था. नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज. बच्चे उसे क्यों प्यार करते थे? बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ अलग अलग गेम्स खेलता था. डैश वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन. कंपेनियन बच्चे आपको बताया था, साथी, उसका हमेशा साथ में रहने वाला उसका कंपेनियन कौन था? द डॉग नेम्ड वुल्फ. उसका नाम क्या था? वुल्फ. द विलेजर्स स्टेयर्ड एट हिम. अब जो विलेजर्स थे वो उसको बहुत घूर रहे थे. स्टेयर्ड मतलब घूरना, कि वो क्यों घूर रहे थे? बिकॉज नो वन न्यू हिम, क्योंकि कोई उसको नहीं जानता था. द ओल्ड वुमेन हु रिकग्नाइज रिप वॉज, जो एक बूढ़ी सी औरत ने उसको पहचाना, वो कौन थी? हिज ओल्ड नेबर, उसकी पुरानी एक पड़ोसी थी. ठीक है, बूढ़ी थी वो, पड़ोसी थी उसकी. अब देखिए, आपने चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने स्टोरी ध्यान से सुनी है, मैंने आपको इतनी लंबी वीडियो बना के दी थी स्टोरी की, अगर आपने सुनी होगी, स्टोरी पढ़ी होगी, तभी आप ये सब आंसर बता सकते हैं. वट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स. आपने देखा था, जो रिप वैन विंकल था वो बहुत सारे आदमियों से मिला था. देख रहे हैं आप, बहुत सारे आदमी से मिला था, तो इनमें क्या सेम थिंग थी? देखो, आपसे देख रहे हो कि सब छोटी छोटी हाइट के हैं, सब बूढ़े हैं, सबकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो कलरफुल सी, अलग अलग कलर की है. ठीक है, तो क्या थी सेम थिंग, क्या स्ट्रेंज थिंग क्या थी, क्या अजीब बातें थी? दे ऑल वर ड्रेस्ड इन द सेम वे. सबकी ड्रेस एक जैसी थी. They had beards of various shapes and color. अलग अलग तरह की उनकी दाढ़ियाँ थी और अलग अलग शेप की. They were serious even while playing games. कि वो एक नाइन पाइन गेम्स खेल रहे थे, फिर भी वो क्या थे? वेरी सीरियस थे. They were of very short heighted. कि सारे वो बहुत छोटी छोटी हाइट के थे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो वो स्ट्रेंज मैन थे उनकी क्वालिटीज. देखिए नेक्स्ट, What kind of man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle कैसा था? He was a kind neighbor. बताया ना कि वो बहुत अच्छा पड़ोसी था. He was very lazy. एक तो वो बहुत lazy था. He liked to play with children. उसे बच्चों से खेलना अच्छा लगता था, बच्चों के साथ खेलना. He was a good-natured fellow. कि वो एक अच्छे नेचर वाला इंसान था. एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चे, क्योंकि आपको ये सब बुक में ही करना है, और आप जब करेंगे तो इसको समझ के करना है. देखिए, हेयर आर सम नेम ऑफ सम गेम्स. कि यहाँ पर कुछ गेम्स के नाम है, हॉपिंग, स्किपिंग, शूटिंग, माउंट क्लाइंबिंग, शूटिंग मार्बल, नाइन पाइप, चेस, फ्लाइंग काइट्स. ठीक है, तो पिक आउट द नेम ऑफ द गेम मेंशन इन द स्टोरी. स्टोरी में कौन कौन सी गेम आई है? फ्लाइंग काइट्स, कि वो बच्चों के साथ पतंग उड़ाता था, शूटिंग मार्बल, कंचे खेलना, और एक नाइन पाइन गेम है. ठीक है, तो ये सब स्टोरी में आई है. तो बच्चे, आप सबको ये काम आपकी बुक में ही करना है, अगर आपके पास बुक नहीं है तब आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके, थैंक यू.